उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जान बचाने के लिए अस्पताल से लाया गया ऑक्सीजन सिलेंडर ही परिवार के लिए काल बन गया। सोमवार रात 8 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। धमाका इतना तेज था कि दो मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। हादसे में पति पत्नी समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। घटना के समय 19 लोग मौजूद थे। दरअसल गुलावटी रोड के आशापुरा कॉलोनी में रुखसाना की तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें अस्पताल से घर में शिफ्ट किया गया। घर आने के बाद रुखसाना को सांस लेने में समस्या होने लगी। इस पर परिजन घर पर ही सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाने लगे। सिलेंडर सेट नहीं हुआ और अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। थाना प्रभारी समेत पुलिस फोर्स, एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ और दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटा है। जेसीबी की मदद से लिंटर हटाया गया। डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने बताया कि अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 8 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।